प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर बिको। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी और चाइना से उन्हें ज्वाइन करेंगे जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सुमित जैन साहब और इनकी स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तान से मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी। और ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हम जानते हैं जब ये साथ होते हैं तो ना सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है बल्कि बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और उस वीडियो को एंजॉय करते हैं। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ आरजू काजमी जी जो कि पाकिस्तान से हैं और सुमित जैन साहब जी कहां से हैं, मैं आपको मतलब इस समय तो चाइना में बैठे, वैसे इंडिया में। सबसे पहले आरजू जी अफीम चरस की खेती रेगुलराइज हो रही है, मतलब क्या एक इस्लामिक कंट्री में हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। ये किसने आपसे कहा कि इस्लामिक कंट्री में ये नहीं हो सकता? वैसे इससे भी पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग ब्लैक डे मना रहे हैं और इसीलिए मैंने ब्लैक ड्रेस पहना है, क्योंकि आज पाकिस्तान में ब्लैक डे है। और एक साल पहले आप लोगों को मालूम होगा कि वो GHQ से लोग मटन और चेरीज और मोर उठा के भाग गए थे, तो उसका दिन मनाया जा रहा है। बाकी बिल्कुल जी, अब चरस की खेती वो KPK में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी ये बात की जा रही थी, और बिल्कुल इस्लामिक कंट्री में सब कुछ हो सकता है, ऐसी क्या बात है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि चरस या अफीम जो है वो आराम है? हम लोग तो बिल्कुल बेचेंगे भी, और आप क्या भी अभी आप देख लें, ड्रोन आता होगा आपके घर के ऊपर जो टपका के चला जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अफीम की ड्रोन से तो आती है, थैंक्स अ लॉट, मैं आपका कितना शुक्रगुजार हूँ, मैं नहीं पूरा देश कितना शुक्रगुजार है कि हमारे घर कंट्री में वैसे भी अफीम चरस पैदा होती नहीं, आप हमें भिजवा देते हो, पर कहाँ दुबई के थ्रू मंगवाते हैं, है ना, और वहां पे भी अडानी का पोर्ट में पकड़ी जाती है, तो यहाँ तो सीधे चपका देते हो जाता है। अच्छा एक चीज, सुमित जैन साहब ये इस्लामिक रिपब्लिक में जहाँ शराब हराम है वहां पर चरस गांजा, पैसे के लिए इस्लाम को धोखा या इस्लाम के लिए पैसे को धोखा, मतलब व्हाट डू यू से? आपने तो पहली बात तो ये है कि लास्ट टाइम जब मैं आपको मिलने आया था आपके घर में, तब एक ड्रोन आया भी था कुछ ड्रॉप करने के लिए। मैंने बोला कि सर क्या आया है, आपने बोला ऊपर नहीं जाना, तो मुझे समझ आ गया कि ड्रोन पे क्या आया था आरजू जी की तरफ से। तो एक तो बात ये कंफर्म हो गई आज कि वो ड्रोन क्या लेकर आया था आपके घर में, तो पहली बात ये। दूसरा, जैसे जैनिज्म में बोलते हैं कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाना, तो लोग क्या करते हैं कि चिकन खा लेते हैं बिना प्याज लहसुन के, तो कहते हैं यार वहां पे कभी भी हमारी किताबों में चिकन चुकन के बारे में लिखा नहीं है। तो वही हाल इनका भी है, इनके दारू हराम थी, चरस गांजा उस वक्त होती नहीं थी जब इनकी किताब लिखी गई थी, तो उन्होंने चरस गांजे के बारे में कुछ लिखा नहीं लगता इनको, तो इसलिए ये काम हुआ है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री होता है उसके जो शौक होते हैं, जनरली वो कहता है यार इसके ऊपर टैक्स माफ कर दो। आपको याद होगा कि जब हमारे चिदंबरम हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इटली के ऊपर GST या VAT जो भी लगता था उस वक्त उन्होंने खत्म कर दिया था, तो उन्होंने बोला था कभी भी इटली, क्योंकि वो खुद इटली खाने वाले आदमी थे, तो उन्होंने बजट के अंदर टैक्स माफ कर दिया था। अब इमरान खान खुद शौकीन रहे हैं इन सारी चीजों के, तो उन्होंने बोला यार इसकी खेती अगर घर में ही हो जाए बाहर से भगौने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये सारा जो स्यापा है ड्रग्स का ये शुरू किया गया था इमरान खान के टाइम पर, कि यार मैं बाहर से मंगवाता हूँ थोड़ी सी, खुद भी मंगवाता हूँ थोड़ी सी, मुझे राहुल गांधी के लिए भेजनी पड़ती है, मैं यहीं पे खेती कर लूंगा तो बिक्री भी हो जाएगी और मेरा घर भी चल जाएगा, तो ये चक्कर है। तो इसलिए इस्लाम को इन्होंने धोखा नहीं दिया, इन्होंने वही काम किया है कि जो बोला था कि दारू नहीं पीनी, तो ये दारू जो है तो होगा, उन्होंने लिखा था कि दारू की बोतल नहीं पीनी, तो ये दारू भी ये पानी की बोतल में डाल के पी लेते हैं, जैसे आपने देखा था अर्जुन ने लास्ट टाइम भी, ये 12 बजे की इनको 2 बजे दिख रही थी, क्योंकि आधी बोतल ही पी थी इन्होंने पानी की बोतल में डालकर, और आपने पूरी पी थी, आपको 4 दिख रहे थे, तो ये सारा कुछ होता रहता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इमरान साहब तो पहले ही बोलते हैं घबराना रही है, बस चरस की गांजे की खेती करते रहो, पैसे कमाते रहो। देखिए इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, कुछ भी करना पड़े भाई, गधे बेच बेच के तो इन्होंने चाइना को पैसे कमा लिए, गली के कुत्ते थे वो पकड़ के इन्होंने चाइना भेज दिया कि वो खा लेते हैं, इनको पैसे मिल गए, वो कहते हैं फ्री के कुत्ते थे गली में वो बेच के कर लो। अब खेती आ गई है चरस गांजे की, अब ये आइडिया कहाँ से आया? पहली बात तो इमरान खान के शौक, दूसरा आपको पता होगा कि अफगानिस्तान इस वक्त सारी कंट्री में अलग थलग है, लेकिन इकॉनमी बड़ी ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कहाँ से आता है?
आपको भी मालूम है कि सारा ड्रग्स का सिस्टम अफगानिस्तान से ही चलता है। इन्होंने देखा यार अगर अफगानिस्तान इतने पैसे कमा रहा है, वो भी डॉलर में, वो भी कैश, किसी को पता लगता नहीं है, क्यों ना ये धंधा किया जाए, तो इनको फर्क नहीं पड़ता, कमाने दो। नहीं हमारे ऐसा नहीं है, मैं एक सेकंड लूंगी रोहित, हमारे ऐसा नहीं है। पहले हम लोगों को भी लगता था कि ये चरस हो, गांजा हो या अफीम, जो भी ड्रग्स होती हैं ये हराम है, और इसी तरह से ड्रिंक वगैरह को भी हमारे यहाँ कहा जाता था कि ये हराम है, नहीं है, इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखी फिल्म चंबेली की शादी, उसमें अनिल कपूर की मूवी थी कोई पुरानी, तो उसमें सॉन्ग था पीना हराम ना पिलाना हराम है, पीने के बाद लड़खड़ाना हराम है। तो हमें ये समझ आई कि हम पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, सिर्फ उसके बाद घूम नहीं सकते। तो इसलिए हमने फिर ये सोचा कि ये करा जाए। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि जो चीज आपकी कंट्री में बन रही हो, प्रोड्यूस की जा रही हो, वो आप खुद भी यूज कर रहे हो। हाँ हमारे यहाँ बहुत से लोग यकीनन लेते होंगे, लेकिन जैसे सुमित सर कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हम दूसरों के लिए भी तो बहुत सी चीजें बनाते हैं। आपके यहाँ भी तो मूवी बनी थी ना एक, और क्या, वो उड़ता पंजाब, तो वो उड़ता पंजाब वो पतंग उड़ाने की बात हो रही थी, जाहिर है ड्रग्स की ही बात हो रही थी। तो फिर हम लोग अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अफगानिस्तान वाले भी यही कर रहे हैं, अब हमने भी ये काम शुरू कर दिया। वैसे मैंने सुना है वो कुछ मेडिसिन वगैरह में भी यूज होती है, जो आप लोग कफ सिरप वगैरह पी के नहीं सो जाते हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए बना रहे हैं हम लोग। हर चीज को नहीं लेना चाहिए। आपके कंट्री में मेडिसिन तो कोई बनती नहीं है, वो भाई अगर डिस्प्रिन भी चाहिए तो भारत से आती है वाया दुबई होकर। आपने मेडिसिन कौन सी बनानी है मुझे ये तो बता दो। बेवकूफ बनाने का धंधा भी इतना बढ़िया है कि मेडिसिन बनाने के लिए हम ये सारे ड्रग्स को बना रहे हैं, वो मेडिसिन बनती कौन सी है ये तो बताओ। बनती है सर, नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल पूरी लिस्ट भेजूंगी। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं बनाते, आपने क्या समझा, हम सिर्फ टॉपिक ड्रामा करते हैं, आपने हमें ऐसा समझा हुआ है। खैर समझ तो गए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि हमारे ड्रग्स भी बनती है, और थोड़ी बहुत ड्रग्स ही बोल रहा हूँ, ड्रग्स ही बनती है, वो मेडिसिन इसको बोलते हैं सर। ड्रग के तो बहुत से मतलब होते हैं। एक तो प्लीज रोहित शर्मा को कोई शर्ट भेज दे, ये पिंक शर्ट देख के मैं और सुमित सर तंग हो गए। बोल चुके एक आदमी वहां, वो एक आदमी उस कंट्री में बैठा है जहां पे ड्रग्स होती है, पैदा हो रही है, जहां से आ रही है। दूसरा आदमी वहां का रहने वाला है जहां पाकिस्तान ड्रग्स ड्रॉप करता है, उड़ता पंजाब, और मुझे बता रहे हैं दोनों कि इसकी पिंक शर्ट, ये चौथी पिंक शर्ट है, ये आज मैंने 3 महीने बाद पहनी है। सो आई लव पिंक कलर, सो और पिंक इज वेरी गुड, पिंक ऐसा कलर होता है जो कि आपको हमेशा सुकून देता है। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, ये चीज के एक और चीज हुई कि इन्होंने ये तो बता दिया कि मैंने कितने पैग लगाए थे, इन्होंने के अर्जु जी ने कितने लगाए थे। भाई साहब ये बता दें आप गर्मी में मेरे घर पे छाता लगा के क्यों आए थे, वो आपने क्या लगा रखा था? मुझे पता लगा था कि कुछ भी गिर सकता है, इसलिए आया था। मतलब गर्मी में ऊपर बादल नहीं है, अप्रैल के महीने में छाता ऐसे लगकर कोई आया तो कुछ तो लगाया होगा ना, ऐसा तो नहीं आ गया होगा कोई गुड, कुछ तो था। एनीवेज कि पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी की बात है, क्या एजुकेशन इमरजेंसी पहली चीज तो क्यों लगाई गई आरजू जी, और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या पता नहीं था पाकिस्तान को 40 साल से कि मदरसों में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन बिल्कुल बेकार है, क्या कंट्री किस रास्ते पर जाएगा अगर इसमें पढ़ा के? सो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, आज है एजुकेशन में किस लेवल पे आ गई कहानी? चले अभी भी अगर समझ आ गई, अगर अभी भी लगा देते हैं तो भी अच्छी बात है, आप अगर कहते हैं कि अभी भी ना करें तो गलत है। ये तो खैर बहुत साल पहले लग जानी चाहिए थी कि यहाँ पर मदरसे वदरसे जो है उनको रोका जाता, उन्हें बंद किया जाता या चेक किया जाता, और साथ ही एजुकेशन इमरजेंसी तो पाकिस्तान में कई साल पहले लग जानी चाहिए थी। लेकिन उसमें शेख वकास जो अभी आई थिंक PTI में गए, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके एक टाइम पे, अगर आप उनका प्रोफाइल देखें उस पे इंटरनेट पे जाके, और उनकी अपनी डिग्री जाली थी, तो वो फेक डिग्री के साथ वो पार्लियामेंट में पहुंच गए थे और उनको एजुकेशन मिनिस्टर लगाया हुआ था। उसके बाद हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो है जो चेयरमैन थे आई थिंक लोगारी, उनका जावेद लोगारी उनका नाम था, तो
उनकी अपनी वो मेरे शो में आए जब मैं टीवी चैनल पे काम कर रही थी, तो उस वक्त सबकी जो डिग्रीज थी ना वो टेस्ट की जा रही थी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। तो मैंने उनसे कहा सर हमारी तो हो गई, आपकी कौन करेगा? कहते हमारी हम खुद करेंगे, उसके बाद हम पकड़े गए। उन्होंने थीसिस जो थे वो फेक लिखे थे और कहीं से चोरी करके लिखे थे, हटा दिया गया। तो अब क्या चाहते हैं कि हम अभी भी एजुकेशन इमरजेंसी ना लगाएं और आगे भी हमारा यही हाल रहे जो इस वक्त है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह इन तीनों का डिस्कशन आपने काफी एंजॉय किया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बहुत मजा आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।